क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इन्हीं की वजह से हमें इस सोसाइटी में मकान किराए पे मिला है। वैसे जेठा कहाँ है? ये सामने तो खड़ा है झाड़ू लेके। आज क्या साफ सफाई करने का मूड है क्या? दुकान नहीं जाना? आप क्यों आए हैं? क्या काम है यहाँ पे आपको? वो मैं मेंटेनेंस का चेक लेने आया था। जेठालाल मेंटेनेंस का चेक दो भाई। मेंटेनेंस का चेक जेठा क्यों देगा? बागेश्वर देगा ना? बागेश्वर क्यों देगा? जेठालाल देगा ना चेक। अरे तुम्हें सेक्रेटरी किसने बनाया है? जब फ्लैट बागेश्वर के नाम पर है तो नौकर चेक क्यों देगा? नौकर? कौन नौकर? जेठालाल और कौन? तुम्ही निगा इथून नाही तर तुम्हाला अटॅक येणार आता। नटू काका जी शेट्टी जरा समजावा यांना। ओ समजवते। इकडे या। अरे काय इकडे या साहेब, हे गुलाबी फेटा सगळं ऐकणार ना, बाहेर घेऊन जावा साहेब। हो हो समजलो समजलो। भिडे भाऊ माझं संगती बाहेर या, मी तुम्हाला सगळं समजवतो। अरे एक अरे तुम्ही या। खडे क्यों है? बैठे ना बैठे। बैठे एक बात बताइए, ये सेक्रेटरी बार बार जेठालाल से चेक क्यों मांग रहा था? तू मुने क्यों पूछे थे जेठिया? जी जी त्याच्यात काय आहे? अरे कानपूर ना? हाँ उत्तर प्रदेश। हाँ तो हिंदी बराबर। उसमें क्या है कि मैं यहाँ रहता हूँ ना इसी घर में, तो यही मैं खाता हूँ पीता हूँ टीवी देखता हूँ, तो मुझे किराया तो देना ही चाहिए ना। तो मैंने सेठ जी को बोला कि मैं किराया दूंगा, लेकिन सेठ जी बहुत भले हैं बेचारे, तो कहने लगे कि नहीं मैं तुमसे किराया नहीं लूंगा। तो मैंने बोला मैं भी फ्री में नहीं रहूंगा, इसलिए मेंटेनेंस का चेक मैंने बोला मैं दे दूंगा। तो हर महीने मेंटेनेंस का चेक मैं ही देता हूँ ऐसा। हर्ष बाल बाल बच गए, ये नटू भिड़े को अब अच्छी तरह से समझा दे तो अच्छा है, वरना किए कराए पे पानी फिर जाएगा। क्या हुआ अचानक? भिड़े भाई नीचे चलिए मैं सब बताता हूँ। अरे वो बात के लेकिन मुझे समझ भी नहीं है क्या वो हो क्या रहा था? बताता हूँ बताता हूँ, पहले देखिए देखिए। अरे लेकिन अभी बात अभी तो बताइए मुझे। अभी नो डिस्कस, नीचे चलिए सब बता देता हूँ, विस्तार पूर्वक बताता हूँ। क्या हुआ क्या है? भिड़े भाई आप हमारे किए कराए पर पानी फिर देते। क्या मतलब? और ये ऊपर बाबरी के मम्मी पापा क्या बोल रहे थे? ये घर बागेश्वर का है, जेठालाल का नहीं है, ये जेठालाल का घर है भाई। सब आपको मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। हुआ यूं के और जब तक भागा बावरी की मंगनी नहीं होगी तब तक हम सबको ये नाटक करना पड़ेगा। नटू काका तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं अभी सब गड़बड़ कर देता ऊपर। लेकिन भेड़े भाई हमें ये पता नहीं था कि बावरी के मम्मी पापा भी इसी सोसाइटी में भाड़े से फ्लैट लेंगे। हाँ वो भी है नटू काका, और अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं उनको इस सोसाइटी में घर भाड़े से देता ही नहीं, मैं कोई ना कोई बहाना बना लेता। चलिए जो हो गया सो हो गया भेड़े भाई, अब पूरी सोसाइटी को आप ये बात बता दीजिए और ध्यान रखें कि कोई सच न बता दे। नटू काका आप चिंता मत कीजिए, वैसे तो मैं कल पुणे जा रहा हूँ लेकिन मैं सब सेट करके जाऊंगा। थैंक यू भिड़े भाई थैंक यू। वैसे जेठालाल को मानना पड़ेगा, क्या बात, बहुत नेक काम किया जेठालाल ने। सेठ हो तो जेठालाल जैसे। हाँ हमारा सेठ जी दिल के बहुत अमीर है, हमें बहुत प्यार करते हैं। सच में नटू काका ये बात सुनकर दिल करता है मेंटेनेंस माफ कर दूं? नहीं नहीं मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, दिल करता है जेठालाल को सैल्यूट करो। भिड़े भाई वो सब बाद में करना, लेकिन अभी पूरी सोसाइटी को एक बात बता दीजिए कि बागा इसी सोसाइटी में रहता है, जेठानी जी बागा की बहन है, बापूजी बागा के बापूजी है और मैं उसका चाचा। और बेचारा जेठालाल नौकर। हाँ और ये भांडा फूट गया तो बेचारे बागा बावरी की मंगनी नहीं होगी। नटू काका आप चिंता मत कीजिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये सोसाइटी की वास्तु को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ कि बागा की सगाई होगी और वो भी निर्विघ्न होगी। थैंक यू बड़े भाई थैंक यू। चलो मैं नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ। नहीं नहीं नहीं
ये भिड़े भाई भूल गए, आवरी के मम्मी पापा भी इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, उन्होंने नोटिस बोर्ड पढ़ लिया तो। नहीं नटू काका, मैं नोटिस बोर्ड पे ये नहीं लिखने जा रहा हूँ, मैं तो सुविचार लिखने जा रहा हूँ। देखिए आप निश्चिंत रहिए, सगाई की तैयारी कीजिए, मैं शाम को अपने घर पे मीटिंग बुलाऊंगा और सारे सोसाइटी वालों को ये बात बता दूंगा। हाँ चलो। थैंक यू वेरी मच बड़े भाई। हे भगवान, सब काम शांति से हो गए। अभी सेठ जी को जाकर बता दूं कि टेंशन फ्री हो जाए। अब कोई टेंशन नहीं है। जब पहली बार बावरी ने ये बताया कि उसे बागेश्वर से प्रेम है तो हमें बहुत टेंशन हो गई थी। हमें लगा वो कि मामूली इंसान है। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगा था कि वो हमारी बराबरी के नहीं है। हाँ वो तो है। है? क्या मतलब? आपने अभी बोला ना कि वो तो है, क्या मतलब है? मतलब आप बड़े हैं, माँ बाप की जगह है, और माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता, ऐसा आप भैया कहना चाहते हैं? वाह, अच्छा अच्छा, थैंक यू दीदी। एक्सक्यूज मी सेठ जी, विल यू प्लीज कम इनसाइड, दो मिनट जरा अंदर आएंगे। क्यों भाई, क्या बात है, जो भी कहना यही कहिए। सॉरी संदीप जी, मैं हमारी हर बात आपको नहीं बता सकता। ये क्या है, हमारी दुकान की बात है, इट इज अवर पर्सनल। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, अच्छा तो अब हम चलते हैं। बहुत काम बाकी है और सारे रिश्तेदारों को न्योता भी तो देना है। हाँ अच्छा, नमस्ते। अगर हमारे लायक कोई भी काम हो तो बताइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अच्छा हम चलते हैं अभी। जी, कोई संकोच मत रखना। ओ दया, अरे एक ग्लास पानी तो पिला। सॉरी सेठ जी, मेरी वजह से आपको बहुत सहन करना पड़ रहा है। सॉरी सेठ जी, वेरी सॉरी। अरे नहीं नहीं बगा, इसमें सॉरी क्या, मैंने तुझे जबान दी है। अरे कच्ची मड़ू जब जबान देता है तो उसे हर हाल में पूरा करता ही है। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। अच्छा नटू, तूने भिड़े को सब बराबर समझा दिया? हाँ बापूजी, भिड़े भाई मीटिंग बुलाकर सबको समझा देंगे, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं तो सबसे भी जरा बात कर लेता हूँ, उनसे बात ही नहीं हो पाई है। जेठालाल, मैं मुंबई से बाहर निकल गया। जेठालाल, लगता है कि निकल गए बाबरी के बाबा से दूर किसी शांत जगह पे, मुंबई से बाहर। अरे कहाँ मेहता साहब, क्यों क्या हुआ? अरे भाई मेरी कुंडली ही ऐसी है, मैं कुत्ते से बचने के लिए ऊंट पर जाकर बैठूं तो ऊपर से कौवा आके चोंच मार जाए। वाह क्या उदाहरण दिया जेठा, लेकिन हुआ क्या ये बताओ। अरे मैं बचाव जाने के लिए सुबह घर से निकलूं, उसके पहले ही बावरी के मम्मी पापा यहाँ घर पे आ टपके। क्या? हाँ इतना ही नहीं मेहता साहब, उन्होंने हमारी सोसाइटी में वो चंदी रमानी का फ्लैट एक महीने के लिए किराए पे ले लिया है। क्या लगता है, अब तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, नहीं तो बाघा की लव स्टोरी पे दी एंड लग जाएगा भाई। हाँ वो नहीं, अभी नट्टू काका ने भिड़े को सब बता दिया तो भिड़े अभी एक अर्जेंट मीटिंग बुला के सबको सब कुछ समझा देगा। आप जरा ध्यान रखना, कोई गड़बड़ ना करे मेहता साहब। कोई गड़बड़ नहीं होगी जेठालाल, डोंट वरी, मैं शाम को थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, बस तुम तो बावरी के माँ बाप को संभालो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हाँ मेहता साहब, बस कैसे भी करके कल ये बाघा और बावरी की सगाई हो जाए। हो जाएगी जेठालाल, कोई टेंशन नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं कल सुबह तैयार होकर सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। ओके थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। वेलकम वेलकम जेठालाल। ओ पिड़ू, ओ की गल है भाई, हम सबको इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी जल्दी अर्जेंटली क्यों बुलाया भाई? लगता है माधवी भाभी ने कुछ स्पेशल डिश बनाई है। नहीं नहीं आती भाई, खाने पीने का कोई प्रोग्राम नहीं है, असल में सोसाइटी में एक बड़ी घटना घटने वाली है, इसलिए मीटिंग बुलाई गई है। बड़ी घटना? बहुत बड़ी घटना घटने वाली, मतलब क्या होने वाला है? देखिए दो बातें, सबसे पहली बात, मैं कल पुणे जा रहा हूँ। पुणे जा रहे हो? तो भिड़े मास्टर लौटते हुए वहाँ की फेमस पुणेरी मिसल और भाकर वड़ी जरूर लेके आना। तुम इस वक्त खाने की बात कहाँ लेकर बैठ गए? भिड़े दूसरी बात क्या है? हम सबको मिलकर
जेठाला के दुकान पर काम करने वाले बागेश्वर उर्फ बागा की लव स्टोरी का अंतिम अध्याय लिखना है। अरे हाथ मारा, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है, और हम तो पेपर पैड भी लेकर नहीं आए हैं। अब मुद्दे पे आइए ना सरल, कब से बेचारे सभी लोग तुक्के लगा रहे हैं। माधवी मैटर बहुत सीरियस है, इसलिए विस्तार में बताना पड़ रहा है मुझे। सीरियस? ऐसे क्या सीरियस बात हो गई सोसाइटी में? बबीता जी बात दरअसल ये है कि जेठालाल बहुत बड़ी समस्या में फंस गया। जेठा भाई ने सुन रहे हो? हाँ, वो आ गला तो मैंने बताओ, मैं अभी दो घूंसे लगा के ना इस समस्या को दूर भगा दूंगा। अरे अरे सोड़ी सोड़ी बैठ यार, बैठ यार। शांति रख भाई सोड़ी, ये समस्या मारपीट चल होने वाली नहीं है, ये दिल का मामला है, तो थोड़ा सोच समझ के। सही बात है। अरे भाई तो बात जल्दी बताओ भाई, जलेबी की तरह बात को घुमा क्यों रहे हो? जलेबी की तरह गोल गोल क्यों बोल रहे हो भाई, सीधे सीधे बोलो ना। ऐसा क्या आप अभी बोल रहे हैं या मैं बोलूं? नहीं, मिस आना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 4-5 साल से बाघा और बावरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बावरी के मम्मी पापा पिछले साल मुंबई आए थे बाघा और बावरी की सगाई करवाने के लिए। हाँ, लेकिन उनको नौकरी करने वाला दामाद नहीं चाहिए था, उनको कोई बड़ा पैसे वाला दामाद चाहिए था। ये जो लड़का तुम्हें पसंद है बागेश्वर, क्या वो हमारी तरह बड़ा जमींदार है? क्या उसके पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस है? क्या उसकी पासबुक हमारी पासबुक से मैच करती है? इसलिए बावरी ने उसके मम्मी पापा से झूठ बोला। बावरी बता रही थी कि तुम्हारी एक दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, कहाँ है? अंधेरी में। और घर कहाँ है तुम्हारा? गोकुलधाम सोसाइटी। फिर घर देखने के लिए बावरी के मम्मी पापा यहाँ पे आए, तो और झूठ बोलना पड़ा कि दया भाभी जो है वो बाघा की बहन है। हाँ, बाघा भाई और मैं, हम दोनों भाई बहन है ना। और चंपक चाचा जी जो है वो जेठाला के नहीं बाघा के पिताजी हैं। हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी आप कैसे हैं? मजे में। और ये सब चक्कर में बेचारे जेठाला को बाघा का नौकर बनना पड़ा। अच्छा बबीता, मतलब आज सुबह जब मैं जेठालाल को आवाज दे रहा था तब उसने सुना नहीं और भाग गया। घर को तभी लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन अच्छा हुआ जयडाला रुका नहीं तो ये बागा का भांडा फूट जाता। भाई भिड़े, ये सब बात तो मुझे पहले से पता है। पिछले साल जब बावरी के मम्मी पापा आए थे तब मैं उनसे मिला था। ओए पोपू, तेरे को ये सारी बातें पता है, तूने हमको बताई नहीं, पता नहीं शर्म नहीं आई? अरे भाई मैं कैसे बताता, मुझे ना बताने की कसम दे रखी थी। मेहता साहब को भी पता था, उन्होंने भी नहीं बताया। बावरी के मम्मी पापा ने हमारी सोसाइटी में फ्लैट किराए से लिया है। अच्छा, वो चंदा रमानी वाला फ्लैट है ना वो? और बाघा और बावरी की सगाई हमारे ही क्लब हाउस में होने वाली। बाघा की सगाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी गल है। अगर हम में से किसी ने भी ये कह दिया कि बागा सेठ नहीं है नौकर है और जेठालाल सेठ है, तो फिर बागा और बावरी की सगाई टूट सकती है। नहीं। हाँ, और इतने समय से जेठालाल जो बागा की मदद कर रहा है नौकर बनके, वो सब वेस्ट हो जाएगा, पानी में चला जाएगा वो सब। इन शॉर्ट सिचुएशन ये है कि दया भाभी बागा की बहन है, चाचा जी बागा के पिताजी है, नट्टू काका बागा के काका है, और जेठा भाई बेचारे बागा के नौकर। परफेक्ट, बरोबर। गॉड, मतलब बहुत कंफ्यूजन है यार। ये भगवान भी क्या सिचुएशन बनाता है, मालिक को नौकर बनाता है तो नौकर को मालिक बनाता है। बोल। पर सच में यार, जेठा भाई बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। सही बात है। अरे जेठा प्ला ने तो दिल खुश कर देता, अभी जेठा प्ला के पास जाता हूं, उनको चक के पास बनने पाता हूं। बल्ले बल्ले बल्ले। और वहाँ पे दोनों की शादी करा देते हैं, फिर माँ बाप कुछ नहीं कर पाएंगे और झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा कर सकते तो कर लेते, तुम्हें क्या लगता है आइडिया दिमाग में नहीं आया होगा? पर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बावरी ने साफ कहा है अगर भाग के शादी कर ली तो उसके बिरादरी वाले बावरी के माँ बाप को बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। हाँ सोड़ी भाई, बात एकदम बराबर है। देखिए, लड़की की शादी माँ बाप के लिए सिर्फ पारिवारिक नहीं, सामाजिक प्रसंग होता है। ऐसे में अगर लड़की भाग के शादी करेगी तो
माँ बाप की बदनामी तो होगी ना, इसलिए अभी ये जो नाटक है हमें कायम करना है, जब तक सगाई नहीं होती तब तक। राइट, हम सब लोग जेठा जी के सपोर्ट में हैं और हमसे जो भी पॉसिबल होगा हम उनकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बस आप सब लोगों को एक बात याद रखनी है कि जेठालाल बाघा के नौकर हैं, बाघा उनका सेठ है और दया भाभी कुंवारी है। मैडम साहब, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, अगर दया भाभी जी भाभी है तो कुंवारी कैसे हुई? अरे मुआ, जिम के स्टम करनी, दया भाभी को दया भाभी नहीं दया बहन कह के बुलाना है, सिंपल। तो हम दया भाभी को क्या बुलाएंगे? ओए सिंपल है सोनिया, तू भी बड़ी पोली है, और दया भाभी को दया बहन बुलाना है कि नहीं? समझ में आयो ना? अरे जेठा भाई यारों के यार है, उनकी पूरी मदद करेंगे। जेठा जी ने जो भी सोच के किया है हम उसे पूरा करने के लिए हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और अभी हम लोग जेठालाल के घर पर जाते हैं, उसका खबर पूछते हैं और हम सब लोग उसके साथ में हैं, ये उसको बताते हैं। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कल पुणे जा रहा हूँ, इसलिए बाकी सब चीजों का ध्यान भी आप सबको ही रखना पड़ेगा, जैसे क्लब हाउस का डेकोरेशन, मेहमानों का स्वागत वगैरह वगैरह, है ना अब्दुल? हाँ हाँ भिड़े भाई, हो जाएगा। अरे भिड़े तुम बेफिक्र हो जाओ, यहाँ तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी, हम सब लोग मिलकर सब संभाल लेंगे, पूरी सोसाइटी बाघा और जेठालाल के साथ है। भाई गोकुलधाम सोसाइटी बड़ी अच्छी है, अगर कोई फ्लैट मिल जाए तो सोचता हूँ खरीद लूँ। नहीं नहीं, आप यहाँ फ्लैट नहीं खरीद सकते। क्यों? मतलब यहाँ कोई बेचता ही नहीं है तो आप खरीदोगे कैसे? ये बात तो है। अच्छा साले साहब, सगाई का न्योता सारे रिश्तेदारों को दे दिया ना, भाई को रह तो नहीं गया? मैंने सबको न्योता दे दिया है और कानपुर से हमारी बिरादरी की मुखिया भी आने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग देखे तो सही हमें कितना अच्छा दामाद मिला है। हाँ, हमारे दामाद जी ना बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल के लड़के तो भाग कर शादी कर लेते हैं। कम से कम बागेश्वर जी ने हमारी परमिशन लेना जरूरी तो समझा। हाँ ये बात तो है भाई, अगर कहीं वो भाग के शादी कर लेते तो हमारी तो बिरादरी में नाक कट जाती। जीजा जी, बिरादरी से मुझे याद आया, अब से एक बात कहनी रह गई है। क्या? हमारी बिरादरी में सगाई का पूरा खर्चा लड़के वाले ही करते हैं, तो सगाई का खर्चा लड़के वाले करेंगे या हमें आधे पैसे देने हैं? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे तो हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जो रिवाज है उसे निभाना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, अभी के अभी बागेश्वर जी के वहाँ जाके उनके परिवार वालों को ये बात बता के आते हैं। हाँ चलो। बहुत चिंता हो रही है। चाचा जी, हम लोग अंदर आ जाए? अरे आ जाओ, बिंदास आ जाओ, कोई नहीं है। कोई भी नहीं है तो फिर आंधा की फायदा, चलो अपने घर चलिए। अरे सोनी, मेरे कहने का मतलब है बाउरी के घर वाले कोई नहीं है, आ जाओ। ओ है वे, चलो जी चलो, आ जाओ भाई। अरे जेठिया, ये सोड़ी अय्यर और मैं तू जाए। अजय मुबारका जी, मुबारका पैर ही तेरे ओ पैदा ओ पता का परेशान जी। अरे बाप रे, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जेठा, ऐसे कुछ मदद नहीं कर पा रहे यार, सॉरी। नहीं नहीं, अरे इसमें सॉरी क्या, आप लोग तो बस प्रार्थना करो कि कल बाघा और बावरी की सगाई कैसे भी करके हो जाए, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, तो क्या है कल से फिर मैं आजाद हो जाऊं। आइए, मैं तो सर सोडी भाई, अजय भाई, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ओ नहीं नहीं दया भाभी जी, ओ चाय नाश्ता करने नहीं आए हम लोग, ओ मैं तो जेड़ा प्रागो उठा के यानी चक के फर्स्ट क्लास पंगड़े पाने आया हूँ। बल्ले 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 बल्ले। अरे अरे सुन, टपरा की कम किता यार, मजा आ गया एकदम, ओ यार दिल खुश हो गया। जेठालाल को क्यों उठाया है? ये बावरी बहन के मम्मी पापा है। अरे सोड़ी की ये खासियत है, बड़ा उत्साही है, जिस इंसान से खुश होते हैं उसे उठा लेते हैं, और अभी उन्होंने जेठालाल को उठा लिया है, लेकिन उनकी इस खासियत की वजह से हम मुसीबत में आ गए। कहीं जेठालाल और बाघा की असलियत बावरी के मम्मी पापा को पता चल गई तो
शादी और बागा की तो सगाई होने से पहले ही टूट जाएगी। नहीं 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 नहीं, इतना आसानी से सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम गोकुलधाम निवासी भी अब इस नाटक में शामिल हैं। और हम गोकुलधाम निवासियों की विशेषता है कि जहां कहीं किसी का भला हो तो आंख बंद करके कूद पड़ते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका गोकुलधाम होता है। देखना यह है कि हम गोकुलधाम निवासी ये सगाई किस तरह से कराते हैं। लेकिन सब कुछ इतना आसान तो है नहीं। मैं जानता हूँ एक टेंशन खत्म होगा तो दूसरा टेंशन आ खड़ा होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आप देखिए किस तरह से हम गोकुलधाम निवासी ये सगाई, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता को। देखते रहिए, हंसते रहिए। पर आपने बताया नहीं आपने जेठा को क्यों उठा के रखा था। ओ जी क्या है ना, हमारी सोसाइटी में मैं तो सब बहुत समझदार है। ओ मैं तो सब तुसी दसो। बहुत अच्छा सवाल है, क्यों उठा रखा था। क्या है लेकिन अय्यर भाई वैज्ञानिक है ना, साइंटिस्ट, ये बड़ा ढंग से समझाएंगे। बताइए क्यों। Wow!